हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्एंट क्लासेस। देखो, आज का क्लास ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एनपीए के बारे में कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। इसको देखते चलो, सीरीज को काफ़ी अच्छा तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। आज हम लोग एनपीए के बारे में बात करेंगे। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में पता ही रहना चाहिए एनपीए क्या होता है। अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अच्छा एनपीए से आपको सवाल भी आता है मेंस में, ठीक है। कैसे सवाल आएगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, और आपको टाइप्स ऑफ कोलैटरल भी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोलैटरल, टाइप्स ऑफ कोलैटरल भी आज हम लोग ये करेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपके तरफ से रिस्पॉन्स भी ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास एनपीए। देखो, अगर तुम जाओगे बैंक के एग्जामिनेशन में तो आपसे एनपीए से सवाल होगा ही होगा। काफ़ी सारे चांसेस है कि एनपीए से आपका सवाल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस इस साइड है और आपको बैड बैंक्स भी बने हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले हम वीडियो अपलोड किया था पूरा आर्टिकल का ही, जो हिंदू में पब्लिश हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एनपीए जो होता है ना, किसकी गलती होती है? सबसे पहले अगर आपसे पूछ देगा कि किसकी वजह से एनपीए होता है, अगर आप दे दिए कि बैंक जो लोन देते हैं और बैंक्स रिकवर नहीं कर पाते हैं और बैंक्स की वजह से एनपीए होता है, आप गलत जवाब दे दिया, ठीक है। कि आप ये जो बोलिएगा ना, आप बैंक्स में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं ना, तो बैंक को क्रिटिसाइज कीजिएगा तो फिर यहाँ पे एक बहुत निगेटिव चला जाता है आपका इमेज। तो आप कैसे बोलिएगा, देखिए बैंक्स का एनपीए क्या होता है? एनपीए जो है ना, बैंक्स की गलती नहीं है। बैंक जो लोन देती है वो बैंक के लिए एसेट होता है, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी तो आप लोग जानते ही हैं, बी लायबिलिटी एसेट और लायबिलिटी जानते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, कासा जैसे, हम लोग इसका तो क्लास हो चुका है आपका ना, टाइप ऑफ डिपॉजिट का तो क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, टाइप ऑफ चेक का भी क्लास हो गया, डीडी और चेक दोनों में कौन बेटर है, ये सब हॉट टॉपिक है, ये सब पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब का तो क्लास हो चुका है। अगर जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना कासा, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, और बैंक जो लोन देते हैं ना वो एसेट होता है, ठीक है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन यही है कि आपसे डिपॉजिट लेना और लोन देना, बेसिक फंक्शन बैंक का यही है। और भी प्राइमरी फंक्शंस व्हाट इज बैंक में, तो आपको हम बता ही चुके हैं कि व्हाट इज बैंक, व्हाट इज बैंक में जो हमारा लेक्चर वन था उसमें तो ये सब सारी बातें हम लोग कर ही चुके हैं। तो देखो, जो लोन देता है ना वो बैंक, बैंक का एसेट होता है, और जो कस्टमर उसको फिर आपको ईएमआई पे वापस करेगा तो उसका जो है वापस करेगा तो वो एसेट आपको उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन यही जो कस्टमर हमारा ईएमआई देना बंद कर देता है ना, तो यही जो एसेट जो है अब एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा यही एसेट। तो अगर आपको हम डिफिनेशन की बात करें, एनपीए की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनपीए का ऐसे आप लिख सकते हैं, बैंक्स कन्वर्ट्स लायबिलिटी इंटू एसेट, ठीक है। द लोन प्रोवाइडेड बाई बैंक, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एनपीए के केस में ये बात याद कीजिएगा कि बैंक जो है ना लायबिलिटी को एसेट में आप कन्वर्ट करती है। एनपीए क्या, जनरली सेंसर बैंक का यही फंक्शन रहता है कि वो अपनी लायबिलिटीज को एसेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। द लोन प्रोवाइडेड बाई बैंक By banks are the asset, ठीक है, are the assets when these assets are not generating profit for a continuous period of नाइन्टी डेज। लेकिन एग्रीकल्चर में ये 90 डेज नहीं होता है, ठीक है। आप ये जनरल में पढ़ा होगा कि एनपीए अगर 90 डेज तक ईएमआई नहीं आए तो वो एनपीए होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये केस नहीं होता है। एग्रीकल्चर में शॉर्ट क्रॉप लोन होता है और लॉन्ग क्रॉप लोन होता है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन का जो होगा वो 2 हार्वेस्टिंग सीजन तक, 2 सीजन तक अगर आपको ईएमआई फार्मर नहीं देगा तो आपका एनपीए हो जाएगा। लॉन्ग क्रॉप में अगर 1 सीजन तक अगर आपका ईएमआई नहीं आएगा तो वो एनपीए हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन में वापस आते हैं, बैंक कन्वर्ट्स लायबिलिटी इनटू एसेट। ये तो याद रखिएगा आप, हमारा डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, द लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स आर द एसेट व्हेन द एसेट्स आर नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, दीज एसेट्स बिकम लायबिलिटीज फॉर द बैंक, दीज एसेट बिकम्स लायबिलिटीज फॉर अ बैंक, लिटी फॉर अ बैंक। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं सर, अगर आप इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं सर बैंक जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो बैंक्स के एसेट होते हैं, और यही एसेट अगर 90 डेज कंटिन्यूस पीरियड तक हमारे प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करती हैं तो यही एसेट जो है वो लायबिलिटीज कन्वर्ट होती हैं। दैट इज अगर कस्टमर्स जो हैं वो 90 डेज तक अगर हमें ये EMI पे नहीं करते हैं तो ये हमारा एसेट जो है वो NPA में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, ओके अब देखो अगर हम लोग बात कर लें, ये आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए लोन लोन आप जो इतना बोल रहे हैं कि बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है तो कोलैटरल क्या रखती है बैंक, अपने पास कोलैटरल क्या रखती है। अब इसमें आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा कि गोल्ड रखती है और ये रखती है, नहीं इस तरीके से बैंक जो आपसे पूछ रहा है ना उसको, तो ये डिफिनेशन नहीं, ये तरीका नहीं है पूछने का, वो आप आपसे टाइप्स ऑफ कोलैटरल पूछ रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलैटरल आपसे पूछ रहा है कि कोलैटरल जो है ना, कोलैटरल का टाइप क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में आपका ये है, तो कोलैटरल का तीन टाइप होता है। ठीक है, एक हो गया प्लेज, और एक हो गया आपको हाइपोथिकेशन, और तीसरा हो गया आपको मॉर्गेज। ठीक है, ये तीन टाइप होता है कोलैटरल का। ठीक है, अब प्लेज में क्या होता है, प्लेज में है ना, ठीक है प्लेज, अच्छा कोलैटरल अगर अच्छा नहीं यहीं तक रखते हैं, चलो प्लेज हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज। ठीक है, कोलैटरल इस प्लेज में क्या होता है ना, ये जो है ना इसका टाइप जो है, टाइप जो है कोलैटरल का वो मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल मतलब कि इसमें आ जाएगा ना, और इसमें पोजेशन टाइप, पोजेशन और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो प्लेज में है ना, प्लेज का टाइप जो है वो मूवेबल है, जैसे कि अगर आप गोल्ड लीजिएगा, एग्जाम्पल है इसका गोल्ड, अगर आप गोल्ड रख के ले रहे हैं तो वही बैंक जो है उस गोल्ड को कहीं रख करके उसमें इन्वेस्ट कर देगी गोल्ड को, और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और बैंक भी अपनी जो एसेट आएगी ना बैंक के पास लाइबिलिटी होगी। आप बैंक को गोल्ड रखा तो गोल्ड थोड़ी आप बैंक अपने पास रख के उसको रखी रहेगी कि धूल लग रहा है, वो गोल्ड आपको बैंक इन्वेस्ट करेगी और उसका फिर आपको उससे बैंक जो है उस लायबिलिटी से एसेट जनरेट करेगी। गोल्ड हो गया, KVP हो गया, किसान विकास पत्र, ये सब जो होता है ना इससे बैंक जो है आपका, ये मूवेबल एसेट है। इसमें पोजेशन किसका है, गोल्ड आप किसको दिया, किसके पास है, बैंक के पास है, तो लेंडर होती है ना बैंक, बैंक जो लेंड कर रही है आपको बैंक, तो जो पोजेशन है ना इसमें, इसमें जो है पोजेशन जो है वो लेंडर के पास हो रहा है, जैसे गोल्ड हो गया, KVP हो गया, ज्वेलरी लोन्स लेते हैं आप लोग, ये हो गया। ठीक है, ज्वेलरी लोन्स जो हो गया ये आपको प्लेज हो गया। अगर हम हाइपोथिकेशन की बात करें तो हाइपोथिकेशन में हम टाइप की बात करें तो ये इसमें है ना, ये भी आपको मूवेबल है, मूवेबल है, मूवेबल मतलब समझ रहे हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। जैसे आप मॉर्गेज में आएंगे ना आप समझ जाइएगा मूवेबल का मतलब, अभी जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए, यहाँ पोजेशन जो रहेगा, पोजेशन जो रहेगा, अगर अच्छा आप हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं आप ही खुद समझ जाइएगा पोजेशन किसके पास रहेगा। एग्जाम्पल है इसका ऑटोमोबाइल लोन, ऑटोमोबाइल लोन, ऑटोमोबाइल लोन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑटोमोबाइल लोन, फर्नीचर लोन, फर्नीचर लोन, ठीक है ये सब है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए अगर आप कुछ लोन ले रहे हैं, तो ये सब जो है ना ये जो है एग्जाम्पल है हाइपोथिकेशन का। तो हाइपोथिकेशन क्या है, इट इज अ कोलैटरल एंड पोजेशन इज टू द बोरोअर। ऐसा तो नहीं ना कि आप कार लिया है तो बैंक जो है अपने पास कार रखेगी 2 साल और चला करके फिर आपको देगी, नहीं आप तो बैंक जो है वो उस कार के ऊपर रख लेती है आपका लोन। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि बैंक अपने पास कार रख रही है, कार तो आपके ही पास है, तो ये जो है ना पोजेशन जो है इसमें बोरोवर के पास है। तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या हुआ टाइप्स ऑफ कोलैटरल में, प्लेज जो है पोजेशन जो है वो लेंडर के पास है,
हाइपोथिकेशन में पोजीशन जो है वो बोरोअर के पास है। मॉर्गेज इसमें आते हैं, तो इसमें जो टाइप होगा ना ये इमूवेबल हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मूव नहीं कर सकता है, तो पोजीशन किसके पास होगा? फिर एग्जांपल लिखते हैं हम, आप अपना खुद दिमाग लगाइए किसके पास होगा। जैसे होम लोन, होम लोन, ठीक है, कार लोन, ठीक है, ये सब जो, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जो लोन्स हो गया, बिल्डिंग के लिए जो लोन होता है, ये सब जो होता है ना वो मॉर्गेज में आता है। पोजीशन किसके पास रहेगा इसका? इसका भी पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप होम लोन लिए हैं तो घर बनेगा तो फिर बैंक उसमें अपना ब्रांच खोल देगी, ये नहीं ना होगा ऐसा। ये जो पोजीशन रहेगा वो आपके ही पास रहेगा। तो कोलैटरल हमारे तीन टाइप के हुए, प्लेज कोल और हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज। आपसे बैंक में इंटरव्यू में आपसे इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है कि प्लेज और हाइपोथिकेशन, ये हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में क्या फ़र्क है। तो आप क्या बोलिए, सर हाइपोथिकेशन जो है ना ये एक तरह का आपको जो है वो उसमें जो रहेगा पोजीशन जो आपको बोरोवर के पास रहेगा, और इसमें मॉर्गेज में पोजीशन जो है वो भी बोरोवर के पास रहेगा, लेकिन हाइपोथिकेशन एक मूवेबल आपको कोलैटरल लेता है और मॉर्गेज में इमूवेबल कोलैटरल लेता है। मूवेबल कोलैटरल जैसे हम लोग ऑटोमोबाइल लोन, फर्नीचर लोन ये सब लेते हैं तो हाइपोथिकेशन में आ जाता है, और मॉर्गेज जैसे कि हम लोग होम लोन, कार होम लोन, कार लोन इसमें नहीं होगा, हम लोग इस पे आपको लैंड पे अगर कोई लोन लेंगे, ठीक है, ज़मीन पे कोई अगर लोन लेंगे तो उस पे आ जाएगा, कार लोन तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये मॉर्गेज होगा कि ये इमूवेबल रहेगा, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं, ये सब जो होगा ना प्रोडक्ट, ये जो होगा आपको मॉर्गेज होगा। अब मॉर्गेज क्या होता है ना कि देखिए आप अपना घर बना रहे हैं या फिर ज़मीन लगा रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन साइन होता है, लाइन LIEN। आप ये इस पे एक गवर, इसको आप इसको बैंक को आप ये देते हैं, एक ताकत देते हैं कि अगर आप बैंक को, अगर आप अपना EMI नहीं चुका पाएंगे तो वो आपका जो है संपत्ति जब्त कर लेगा, तो उसी को लेन कहते हैं, LIEN, लाइन, ठीक है। लाइन इज एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू कोलेटरल लोन, ठीक है, इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, लाइन इज एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू कोलैटरल लोन, ठीक है। लाइन जो है एग्रीमेंट है, किससे रिलेटेड है? कोलैटरल लोन पर, व्हेन दी बोरोअर एग्री, ठीक है, एग्री टू कैप्चर द मॉर्गेज टू दी मॉर्गेज प्लेज और हाइपोथिकेशन व्हेन द लोन बिकम NPA, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर आपने ए प्लेज, हाइपोथिकेशन, कॉर्गेज कोई भी कोलैटरल रखा है, तो आप एक लाइन साइन करते हैं जो कि बैंक को एग्री करते हैं कि जो अगर आपका जो लोन जो है अगर NPA हो जाएगा तो बैंक जो है वो आपको कैप्चर कर लेगी, आपका मॉर्गेज, प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन, अगर आपने कार लिया है, आपने ज़मीन पर लोन लिया है घर बनाने के लिए, या फिर आपने गोल्ड रखा है गिरवी, तो यही आप लाइन साइन करते हैं जो कि बैंक को ताकत देता है कि आपका ये सब ले सकती है, अपने कैप्चर में लाइ ले सकती है। लेकिन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आपका ये लाइन काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे किसानी के लिए लोन लिया गया और आप उसकी पूरी ज़मीन अपने नाम ले लीजिएगा, नहीं। अच्छा, क्रॉप जो है ना, क्रॉप, क्रॉप भी है जो है वो इसमें आता है, हाइपोथिकेशन में आता है, क्योंकि फसल जो होती है ना वो मूवेबल होती है, ठीक है। आप ज़मीन, ज़मीन ना एक जगह है, उस पर जो फसल उगा हुआ है उसको तो आप काट करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके बेच सकते हैं, तो क्रॉप जो है ना वो हाइपोथिकेशन में आती है, मॉर्गेज में नहीं आएगा, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो मूवेबल लोन में आता है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई, कोलैटरल NPA क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलैटरल क्या होता है,
अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ तो लाइक कीजिएगा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। आई होप कि मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा होगा और इतनी नॉलेज के जितना हम दे दे रहे हैं आपको, उतने में आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल जाएगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। डिफरेंट प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, रीजनिंग के मेंस प्लेलिस्ट एंड डिफरेंट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। मिलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।